लोकप्रिय सांसद भाई धरमलाल जी, हमारे प्रधान जी, तमाम सरपंच साहबान, जिला पंचायत सदस्य और जनरल आए हैं, सभी मेरे पिता तुम बुजुर्गो, युवा साथियों, माता बहनों, साथियों, ये जंगल हमारा पूरे देश से ऐतिहासिक जंगल करीबी में भरता है और इस बात की पहचान तेरावी और करीबी की जंगल से था। साथियों, मैं आपको आगे निवेदन करना चाहता हूं कि इस बार हमारे भगवान ने भी अच्छी कृपा करी है, अच्छी बरसात हो रही है। बरसात की वजह से बरसात फसल में नुकसान हुआ है, ये मैं मानता हूं और हमने सरकार से मांग की है, जिला कलेक्टर से मांग करी है कि जल्दी से जल्दी फसल खराब की मुआवजा दिया जाए और प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है वो स्वीकृत किया जाए। साथियों, देश में कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में और राज्य में हम दोनों सरकारों से निवेदन करते हैं कि देश किसानों से चलता है, ये देश किसानों से चलता है, किसान देश की जान है। हमारे देश के किसान में आज तो किसानों ने राज देकर यह साबित कर दिया कि किसानों की क्या हालत इस देश में होगी। साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा पर इतना जरूर कहूंगा कि सरकार के अंदर जो परिस्थितियां देश में बदल रही है वो आपके सामने है। चाहे और झंडा मामला हो, चाहे टिंबर मीडिया वाला मामला हो, सब बातों को हमने उठाया हर तरीके से और आज जो परिस्थितियां ये सरकार सुनने को तैयार नहीं है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई को हम कंधे से कंधा लगाकर लड़ेंगे। राजस्थान की विधानसभा में हमने हर मुद्दे को रखा है, चाहे बिजली का हो, पानी का हो, किसानों का हो, चाहे युवाओं का हो, रोजगार का हो, आज ये किसानों की सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सुनने को तैयार है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि निश्चित रूप से सभी के आप जागरूक हो, ज्यादा करके ये लोग मेहमान नहीं है, अगर इसी तरह का रहिए सरकार नहीं सुनेगी तो हम रोड़ों पर रहेंगे और रोड़ों पर आकर हम इनको सुनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग आप जानते हैं जब भी सत्ता में आते हैं हमारे आगे घर को नुकसान करते, किसानों को नुकसान पहुंचाते, तो भारत सरकार हो गया।